जी से डर लग रहा है, बुलडोजर से डर लग रहा है, यूपी पुलिस से डर लग रहा है। सो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो नेशनलिस्ट मीम पर होने वाली है, बहुत अच्छे अच्छी क्लिप आप लोगों के लिए इस वीडियो में, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। सबका साथ सबका। उनके भाई का भी एक बयान आता 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ले तो फिर देख लेंगे। देखिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटा देना, वही तो बात है, सिर्फ भड़का कर मुसलमानों को एकत्रित करना। 2 मिनट के लिए गोधरा में पुलिस हटी थी, क्या हुआ था? अगर 1 मिनट के लिए हट गया तो ओवैसी नहीं, ओवैसी का खानदान समाप्त हो जाएगा। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। मैं आपके लिए ये एक छोटी सी भेंट लेकर आई हूँ। कंप्यूटर जी दिखाइए तो प्लीज। मुझे आज कुंवर विजय प्रताप जी बता रहे थे भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां गुरदासपुर और पठानकोट से होती हैं। दूसरा वाला कंप्यूटर जी। कोटियाल साहब ने बताया कि भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तराखंड से होती है। Psych, that's the wrong number. यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात मत कीजिए। जो आतंकवादी है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, वो आतंकवादी है। नहीं नहीं, हिंदू आतंकवाद है ही नहीं भाई। मत कहिए कि ये जबरदस्ती का नैरेटिव, फेक नैरेटिव है ही नहीं हिंदू आतंकवाद। कहाँ हो गया सर? अगर हिंदू आतंकवाद होता ना तो आप लोगों की ये सब कहने की हिम्मत नहीं होती। अगर हिंदू आतंकी होता ना तो 500 साल तक राम मंदिर का इंतजार नहीं करता। अगर हिंदू आतंकी होता ना तो कश्मीर में नरसंहार नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवादी होता ना तो आए दिन पलायन नहीं होता। मजा आया। अब तो राहुल गांधी भी उतर आए, प्रियंका गांधी भी प्रचार कर रही है जोर शोर से। ये तो अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। क्या जन्म तक का मतलब है? आएंगे ही नहीं। अरे छोड़े इन जन्म की, अगले जन्म की बात करो। गजब बेइज्जती। और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, छत्रपति संभाजी महाराज जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने, राणा प्रताप जी महाराज जी ने अपने पूरे कुल का बलिदान कर दिया हिंदुत्व बचाने के लिए, तो मेरे जैसे तुच्छ जंतुओं का जी के फायदा भी क्या है? अगर धर्म के लिए हम बलिदान नहीं हो सकते तो मर जाए मेरे जैसे करोड़ों कालीचरण हिंदुत्व को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। जितने भी धार्मिक कर्तव्य करने वाले लोग हैं उनका एजेंडा ये होना चाहिए कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। इसलिए हमें किन्हीं भी कुत्तों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम करते रहे। और जो व्यक्ति साथ आ रहा है काम के लिए उसके साथ में काम करेंगे, जो नहीं आ रहा उसके बिना काम करेंगे, और जो बीच में आएगा उसको हम काट के काम करेंगे। लेकिन तो दोस्तों आप इस माधरणीय को तो जानते ही होंगे, इतना हिपोक्रेटिक बंदा है ना दोस्तों कि क्या बताऊं। सबसे पहले तो आप इसके यूटर्न वाले मोमेंट देखिए। बहता बहता नर्मदा माई में किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसा नवजोत सिंह सिद्धू नरेंद्र भाई मोदी की संगत में आके महसूस कर रहा है।
मेरे लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। ये मिट्टी का ठेला आज यहाँ आके खुशबूदार हो गया, वरना औकात ही क्या है इस नवजोत सिंह सिद्धू की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। हाँ, और जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो क्या महसूस करेगा, वैसे ये सिद्धू यहाँ तुम्हारे महाकुंभ में आके महसूस कर रहा है। मिट्टी का ठेला गुलाबों की क्यारी में आ गया। अबे साले, तभी मैं क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। गल तो सीधी है, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, फलाने देवा का कोई बंदा नहीं। गल तो सीधी है, को कम वही जाके रेखता बोल देना, कम केड़ा लंबा। कांग्रेस के कोल ना ते नेतृत्व है, पप्पू प्रधानमंत्री है कांग्रेस का। सरदार होवे ना होवे, असरदार बिल्कुल नहीं है। पहले अर्थशास्त्री है, मैं कहना व्यर्थ शास्त्री है। आपके चरणों में सर रख के, आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। कि मुकरना तो इन्हां दी फितरत है, बड़ी छेती यू टर्न मारते हैं। साइकिल का भी स्टैंड होंदा है, इत्थे कोई स्टैंड स्टूंड है नहीं गा, ठीक है। और दोस्तों, यह बहुत बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारे देश के अंदर ही कुछ लोगों के द्वारा घेर लिया जाता है, उनका काफिला रुकवा दिया जाता है। परंतु दोस्तों, कुछ लिब्रांडू और चमचे इसकी निंदा करने की बजाय हमारे प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। आप खुद देखिए किस प्रकार जो ये नवजोत सिंह सिद्धू है हमारे प्रधानमंत्री मोदी का अपमान कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ये किस प्रकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ करता है, और दोनों में फर्क देखिए। उन्हां दी ज़बानी कहना, ओ मेरी इस ज़बान दे विचों 14 करोड़ सिखां दी आवाज निकलदी है, ते सुनो की कहंदे है, ओ तेरी मुहब्बत, तेरी मुरव्वत, तेरे प्यार दे तोहफे बदले मेरे कोल तां सब तों महंगी एहो शै है, मैं शुकराना लेके आया हाँ, मैं शुकराना लेके आया हाँ, महंगया यारा सोनिया खाना, दिल दिया शहनशाह खान इमराना, तेरी खातर दिल नजराना लेके आया हाँ, दिल नजराना लेके आया। के दुगनी आमदन करूंगा, दुगनी आमदन, दुगनी आमदन तो तुसी की करनी सी, जो उस किसान दे पल्ले सी तुसी वो भी खोलिया, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ, ਨਾਲ ਦੋ ਲਗਾੜਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਬਤਾਊ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਠਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਵਾਈ ਠੋਕ ਕੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਆਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਆਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਟਕਾ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट से जरूर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। We'll be right back.